दोस्तों आज जो कॉमिक कंपनी है उसका नाम है अंगारा बोनो के देश में। ये तीसरा पार्ट है सीरीज का। इसका पहला पार्ट है अंगारा का जन्मदिन। तो इससे पहले के दोनों पार्ट आप पढ़ लेना, नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। वे दोनों पार्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, अंगारा का फोल्डर है उसके अंदर। तो ये जो पर स्टोरी है इसके पहले दो पार्ट हो गए, तो ये आपने पढ़ दी होगी। अब मैं आगे से पढ़ता हूँ। अब चार्ली ड्रैगन आइलैंड खोज रहा था। सिंहराज ने जो थोड़ा आइडिया दिया था उसके अनुसार ड्रैगन आइलैंड यहीं कहीं होना चाहिए। तभी वह छोटा द्वीप ड्रैगन आइलैंड नहीं हो सकता, लेकिन देखे तो सही है यह क्या खेल तमाशा चल रहा है इस द्वीप में। चार्ली एक पहाड़ी पर उतर कर छिप कर देखने लगा। वाह क्या शानदार नृत्य कर रही है वह मेरे साइज की लड़की, और सुंदर भी कितनी है मेरी तरह। लगता है परी है या कोई राजकुमारी। कई दिनों से सोच रहा हूं कि जिस तरह अंगारा से बलाला की राजकुमारी प्रेम करती है, कोई लड़की मुझे क्यों नहीं प्रेम करती। आज मैं अपना ऐसा जलवा दिखाऊं कि यह लड़की मुझे प्रेम करने लगे। तभी बस अब बलि का इसमें हो गया है। ये लोग इस लड़की को उछाल उछाल कर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। वह उस लड़की की टांग पकड़कर उसे घुमा रहा है। वो उसे चबूतरे पर फेंक दिया। बलि की रस्म पूरी करो, इस देवता को खून दो। इसका देवता खुश होकर बाहर आ जाएगा। हे ईश्वर अगर तेरी कोई शक्ति है तो मुझे इन जालिमों से बचा, मेरी रक्षा कर। मैं किम्बा की राजकुमारी तुझे पुकारती हूँ। सुप्रे बज्जात बोनो का देश किम्बा हमारा गुलाम है। वहां की औरतें हमारे देवता के लिए पैदा होती है। चढ़ा दो इसकी भी बलि। अबे तुम क्या बलि चढ़ाओगे बलि, उसने ईश्वर को पुकारा, मैं गोड का उतारू। चार्ली पर तीर बालों की बौछार हुई, पर इन शस्त्रों का चार्ली पर क्या असर होने वाला था। अगले पल चार्ली बोनी लड़की को ले उड़ा। ये फरिश्ते क्या तुम्हें ईश्वर ने भेजा है, क्या तुम ईश्वर के दूत हो। मैं गॉड का फादर गॉड फादर हूँ, चार्ली हूँ। तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम जूनी है, मैं किम्बा की राजकुमारी हूँ। ये शैतान ड्रैगन के पुजारियों ने मेरे देश को गुलाम बना दिया क्योंकि हम ईश्वर की पूजा करते थे। कहाँ है तुम्हारा देश। उत्तर दिशा में बढ़े चलो, फिर एक ऐसा टापू आएगा जिसमें खजूर के पेड़ दूर दूर तक फैले हैं। चार्ली उत्तर दिशा में बढ़ चला। सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे देश पहुंचा देता हूँ। अब मैं सबको बता सकूंगी कि ईश्वर की शक्ति शैतान से बड़ी है। कुछ देर बाद वो राकिम्बा चार्ली किम्बा द्वीप की तरफ बढ़ा। राजकुमारी आ गई, राजकुमारी आ गई। ये किम्बा के लोगों देखो मेरे साथ कौन है। ईश्वर ने मेरी रक्षा के लिए अपने पिता को भेजा है। चार्ली नाम है इनका। ईश्वर का पिता आया, ईश्वर का पिता जिंदाबाद। राजकुमार जी राजधानी पर आपके महल पर ड्रैगन का कब्जा है। हम यहाँ जंगलों में छिपे हैं, उनके पास घातक शस्त्र होते हैं। हमारी बस्तियां उनके गुलाम है। अब मेरे चंद वफादार लोग रह गए हैं जो जो उनसे नहीं लड़ सकते। ईश्वर के पिता क्या तुम हमें उन शैतानों से मुक्ति दिला सकते हो। जब अंगारा राजकुमारी बलारा के लिए लड़ सकता है तो मैं इस राजकुमारी जूनी के लिए क्यों नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं, सब मिलकर मेरे साथ चलो, देखा देखो मैं उन्हें कैसे मजा चुकाता हूँ। चार्ली के नेतृत्व में पूरी सेना चल पड़ी है। राजकुमारी के भगोड़े बोने सैनिक आ रहे हैं, पकड़ लो उन सबको। लेकिन जैसे ही पहरेदार आगे बढ़े हैं, चार्ली उनको उठा उठाकर आकाश में से जमीन पर फेंकने लगा। ए आ राजकुमार के सैनिकों ने भी अपने तीर कमानों का कमाल दिखाया और कुछ ही पलों में मैंने इन सबको मार भगाया। तुम्हारा देश आजाद हो गया। राजकुमारी जूनी राजमहल में चलो, आजादी का जश्न मनाया जाए। उधर ड्रैगन के पुजारियों में हड़कंप मचा हुआ था। हे देवता ड्रैगन, किम्बा में तेरे भक्तों को मार दिया गया और तेरा एक बड़ा शक्तिशाली भक्त सिंहराज अंगारा द्वीप में कैद है। हे कमांडो ड्रैगन, प्रकट होकर हम सबकी रक्षा करो। अगले पल यह मत समझो कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं जमीन के अंदर रहते हुए भी सब कुछ देखता हूँ। हे देवता सिंहराज के रहते हम हर जगह जीतते रहे, अब तो सिंहराज भी कैद हो गया। बोनों की रक्षा के लिए ईश्वर का पिता धरती पर उतर आया, वह भी उन्हीं की तरह बोना है। उसे भी मैंने देख लिया, उसे शह देने के लिए अब मैं हवा का बेटा पैदा करता हूँ। इस 1 फुट के हवा के बेटे को मैं अपने शक्ति शस्त्र के रूप में उस ईश्वर के पिता पर छोड़ूंगा जिसने किम्बा का युद्ध लड़ा। यह है अमर शक्ति पुत्र चिल्ली। यह सबसे पहले सिंह राज को आजाद करके लाएगा
उसके बाद यही चिल्ली उस ईश्वर के पिता का भी खात्मा करेगा। चिल्ली उड़ जा अंगारादीप की ओर, जो आ गया अंगारादीप सिंहराज, अंगारादीप सिंहराज। उधर अंगारादीप में ड्रैगन शैतान के सबसे बड़े पुजारी सिंहराज को अंगारा ने कैदी बना लिया था। सिंहराज तू तब तक इस हवा वीन शीशे के जार में रहेगा जब तक मुझे कमांडो ड्रैगन का पता ठिकाना नहीं बताता। मैं तुझे मौत की सजा नहीं दूंगा, मुझे कमांडो ड्रैगन चाहिए क्योंकि उसने अंगारादीप और अंगारा को गुलाम बनाने के लिए तुझे भेजा था। तेरा भाई बुड्डॉग भी शैतान का पुजारी था, उसका खात्मा भी मैंने किया। ठीक है, देखता हूं तू कब तक मौन रहता है, एक दिन तो मुंह खोलेगा ही। जटायु मेरे यहां से जाने के बाद तुम इस पर नजर रखोगे, अगर ये फरार होने की कोशिश करे तो इसे हवा में लटकाना तुम्हारा काम है। मैं जानता हूं स्वामी, मुझ पर न तो शैतान मंत्र काम करता है और न ही सिंहराज हवा में टंकर गायब हो सकता है। सिंहराज अपने शरीर को कण कण में विसर्जित करने की विद्या जानता है, वह किसी भी तरह इन कणों को जोड़कर फिर से पूरा शरीर बनाकर प्रकट हो जाता है, लेकिन न तो वह हवा में टंकर ऐसा कर पाता है न हवा विहीन स्थान पर। बिना हवा के वह जिंदा कैसे स्वामी, उसने सांस रोककर समाधि ले ली है। चलो मैं चला, और अंगारा वहां से निकल गया। अंगारा के जाने के बाद मेरे देवता कमांडो ड्रैगन से मेरी यह हालत छिपी न होगी, वह अवश्य मेरी मदद करेगा। तभी शूं है, यह क्या चीज है, लेकिन जटायु कुछ करे उसके पहले कड़ाक है कड़ाक। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ सिंहराज, मेरा नाम चिल्ली है, तुमको देवता कमांडो ड्रैगन ने ड्रैगन आईलैंड पर बुलाया है। ठीक है, मैं अभी अपने शरीर को विसर्जित करता हूँ और ड्रैगन आईलैंड पर प्रकट होता हूँ, और सिंहराज अदृश्य हो गया। सारे जानवर यह खबर अंगार को देने दौड़े। सिंहराज आजाद टूट गया, एक नन्ना उड़ता आदमी उसे आजाद कर गया। सिंहराज भाग गया क्या, लेकिन जटायु चिल्ली का पीछा करने लगा। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, इसने गड़बड़ कर दी है। जल्दी जटायु उसे पकड़ने में कामयाब हुआ। बड़ा विचित्र मापक से देखता हूं मेरा क्या बिगाड़ता है। स्वामी यही है वह शैतान जिसने सिंहराज का जाल तोड़ दिया। सिंहराज तो गायब हो गया परंतु इसे मैंने पकड़ लिया। इसे बोतल में बंद कर दो। बता कौन है तू, मैं चिल्ली हूं कमांडो ड्रैगन का अमर शक्ति पुत्र, मुझे अभी ईश्वर के बाप से निपटना है, इसलिए समय कम है, नहीं तो यहाँ इस महाकाय पक्षी से भी निपट लेता, मगर मैं वही काम कर सकता हूँ जिसका मुझे हुक्म होता है, इसलिए चलता हूँ। है यह तो बोतल सही टूट गया। आकाश के पक्षियों, सागरी मछलियां, चिल्ली पर नजर रखो। थोड़ी देर बाद जटायु वापस आ गया, वह गोली की रफ्तार से निकल गया, मैं उसे नहीं पकड़ सका स्वामी, मुझे उसके पास ले चलो। लेकिन स्वामी वह तो मेरी दृष्टि से ओझल हो चुका, पक्षियों को मैंने पहले ही अलर्ट कर दिया है, और अगर वह समुद्र के रास्ते जाएगा तो मछलियां उस पर नजर रखेंगी, इसलिए मार्ग की चिंता न करो, यह चिल्ली अब हमें ड्रैगन आइलैंड तक ले जाएगा। जटायु अंगारों को लेकर उठ चला। बताओ किस तरफ गया चिल्ली, मैंने उसे दक्षिणी की तरफ जाते देखा। जटायु अंगारों को लेकर दक्षिण की ओर उठ चला। तुमने चिल्ली को किस तरफ जाते देखा, जहां तक मैंने उसे जाते देखा वहीं तक मैं आगे आगे उड़ता हूँ, देवता आप मेरे पीछे आए। पक्षी अंगारा को अपनी सीमा तक ले गया। बस यहीं तक देखा मैंने चिल्ली को, इससे आगे मैं आपको ले चलता हूँ। तीसरा पक्षी अंगारा को और आगे ले आया, मैंने यहां तक देखा, यह तो अटलांटिक महासागर है। बताओ मछलियों, क्या तुमने अपने सागर से आकाश पर चिल्ली को उड़ते देखा। हमने देखा, हम सब ने देखा, चमगादड़ के पंखों वाले चिल्ली को देखा, वह ड्रैगन समुद्र की ओर गया। तब अंगारों ने अपने समुद्री वाहन वेलरानी को आवाज दी। वेलरानी कम ऑन, मैं आ गई स्वामी। वेलरानी मछलियों से पता पूछते हुए ड्रैगन सागर की ओर चलो, जटायु मुझे लेकर तुम्हारे पीछे पीछे उड़ता हुआ आएगा। ओके ग्रेट अंगारा सर, है क्या तुम भी कई दूसरी भाषाएं बोलने लगी। आजकल हम सभी समुद्री जीव सभी सागर तटों की भाषाएं सीख रहे हैं ग्रेट सर, आपका ध्यान क्या हमेशा उन्हीं वन्य प्राणियों पर रहता जो जमीन पर विचरते हैं। क्या मतलब, कभी आपने मछलियों के बारे में भी सोचा होता, क्या हो गया मछलियों को। अभी भी मानव समाज मछलियां बड़े चाव से खाता है, सारे सागरों की मछलियां मछुआरों के आतंक से भयभीत रहती है, उनकी नस्ल खत्म हो रही है। सचमुच इस ओर तो कभी तुमने ध्यान ही नहीं दिलाया, अब तुम चिंता छोड़ दो, ड्रैगन के खात्मे के बाद मैं इसी अभियान की तैयारी करूंगा।
उधर सिंहराज ड्रैगन आइलैंड में प्रकट हुआ। सिंहराज आ गया, सिंहराज की जय हो। जय मेरी नहीं देवता कमांडो ड्रैगन की कहो, जो असीम शक्तियों का ही अमर शक्ति का भंडार है। और यह द्वीप का भाग्य है कि जो यहाँ कमांडो ड्रैगन का स्थायी निवास है। देवता कमांडो ड्रैगन की घोर तपस्या के बाद मुझे कुछ शक्तियां मिली है और मैंने सब समाज तक देवता के भक्त बनाए हैं। कुछ समय बाद पूरे विश्व में कमांडो ड्रैगन की पूजा होगी और उनके भक्तों का राज होगा। अब तुम्हारे पूर्वज इस द्वीप पर आए थे तो उनके पास खाने को अंत तक नहीं था। यह कमांडो ड्रैगन का ही करिश्मा है कि आज तुम्हारे पास ऐसे ऐसे विनाशकारी शस्त्र हैं कि पृथ्वी में किसी देश के पास उनकी काट नहीं है। देखो यह फरसा में जो हवा से प्रकट होता है, जहां तक मेरी दृष्टि जाएगी वहां तक यह फरसा वार करने में सक्षम है। हमारे पास ऐसे रसायन बम है कि जिस जगह फेंक दे वहां का वायुमंडल ऐसा विषाक्त बन जाएगा कि पौधे तक सूख जाएंगे। और यह बम किसी मिसाइल या रॉकेट से नहीं फेंके जाएंगे। चिल्ली जैसे जरा हवा के बेटे पैदा होंगे, वे निर्णायक युद्ध लड़ेंगे यहीं बैठे बैठे, जहां चाहे बम फेंके जा सकेंगे। विश्व पर कब्जा करने से पहले मैं बहुत से द्वीपों पर अपना झंडा फहराना है। ऐसे द्वीप जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंगारा द्वीप को अमेरिका ने भी अपना सैनिक अड्डा इसलिए बनाना चाहा और हमारी दृष्टि में भी वह द्वीप महत्वपूर्ण है, इसलिए यह जरूरी है कि उस द्वीप पर कमांडो ड्रैगन का ध्वज फहराया जाए। लेकिन सबसे पहले हम बोने डे स्किम्बा को देखेंगे और यह काम मैं अकेला ही कर दूंगा। मैं देखता हूँ यह ईश्वर का बाप कौन है। मैं चला और सिंहराज अदृश्य हो गया। सिंहराज किम्बा के नजदीक प्रकट हुआ। चांदनी रात थी। मैं किम्बा के मुख्य नगर की को देख रहा हूँ। चल मेरे पर्चे, त्राई त्राई मचा दे, वहां मारकाट शुरू कर। सिंहराज का पर्चा, भागो। सिंहराज आ गया। ए बोनो, किम्बा को खाली कर दो वरना सारे के सारे मारे जाओगे। किम्बावासी बोने समुद्र तट की ओर भागने लगे। कुछ नौकाओं में बैठकर भागने लगे, कुछ भयभीत से पानी में कूदने लगे। उस राजकुमारी जूनी के महल की तरफ भागे। ड्रैगन का हमला हो गया। राजकुमारी ईश्वर के पिता को जगाओ। हाय दया, यहाँ तो चारों तरफ हाहाकार मचाए, लोग भाग रहे हैं। राजकुमारी चार्ली के संकर्ष में पहुंची। हे ईश्वर के पिता चार्ली, ड्रैगन के शक्तिमान पुजारी सिंहराज ने आक्रमण कर दिया है। क्या सिंहराज? सुबह देखेंगे, लेकिन सुबह तक तो सब खत्म हो जाएगा। सूर्य की रोशनी के बिना चांदनी बेकार हो जाता था। राजकुमार जूनी, मैं सुबह से पहले कुछ नहीं कर सकता। अब क्या होगा? सुबह पूरा किम्बा खाली है, लेकिन राजकुमार जूनी अब भी खिड़की पर खड़ी है। हे राजकुमार जूनी, मैं चाहता तो तेरी गर्दन भी काट देता, लेकिन तेरी तो मुझे देवता के सामने बलि चढ़ानी है। उधर अंगारा वेलरानी के सिर पर सो गया था। सुबह हो गई, स्वामी जागो। क्या बात है जटायु? स्वामी मैं बड़ा चंबा देख रहा हूँ। मुझे एक द्वीप में सिंहराज एक चट्टान पर खड़ा दिखाई दे रहा है और उस द्वीप में अफरा तफरी मची है। वहां के निवासी जो कि बोने द्वीप छोड़कर भाग रहे हैं, समुद्री तटों पर नौकाओं से पलायन कर रहे हैं। जटायु मुझे वहां ले चलो। वेलरानी तुम उसी तरह उसी तट की तरफ बढ़ो। है यह आसमान में क्या से क्या बला उतरी है? इतना बड़ा पक्षी और पक्षी के पंजों में आदमी। छिप जाओ, छिप जाओ। शैतान ड्रैगन का कोई नया कारनामा। ए लोगो, क्या तुम सिंहराज के आतंक से द्वीप से भाग रहे हो? हाँ, मैं अपने प्रिय देश किम्बा से भागना पड़ रहा है। भागो मत, वापिस पलटो, तट पर पहुंचो। सबको बताओ कि अमन का फरिश्ता आया है। सबसे कहो देवताओं का देवता आया है। अंगारा जमीन पर उतरा। देवताओं का देवता अर्थात ईश्वर, ईश्वर आ गया। अपने बाप की मदद के लिए ईश्वर खुद आ गया। अब डरने की कोई बात नहीं है। तुम हमें सारी बात बताओ। हम गुलाम हो गए थे। हमारी लड़कियों को बलि के लिए पहले से प्रयोग किया जाता था। फिर राजकुमार जूनी ने बगावत का बिगुल बजाया तो ड्रैगन के पुजारियों ने राजकुमारी को ही पकड़ लिया। इससे पहले कि राजकुमारी की बलि दी जाती, उसके आपके पिताश्री ने राजकुमारी को बचा लिया। मेरे पिताश्री? हाँ, चार्ली नाम उनका। अच्छा, तो चार्ली यहाँ पहुंच गया है। तुम लोग एक मैदान में फांसी का फंदा बनाओ, हम सिंहराज को फांसी पर लटकाएंगे। जटायु एक रस्सी का फंदा लेकर तुम मुझे उस जगह ले चलो जहां सिंहराज खड़ा है। जो आ गया। जटायु उस स्थान की ओर बढ़ चला। वो रहा सिंहराज, उसके पीछे से उड़ान भरना। अगर उसने हमें देख लिया तो गायब हो जाएगा। ए?
है, मैं रस्सी के फंदे में हवा में, तो हवा के तू हवा से नीचे नहीं गिर पाएगा बच्चों, देख कैसी कैसी कलाबाजे खिलाता हूं तुझे। और अंगरा उसे वहां ले गया जहां सिंह राज के लिए फांसी का फंदा लटक रहा था। हाँ तू अब यहाँ ठीक रहेगा। तो दोस्तों इससे आगे की स्टोरी है अंगारा और हवा का बेटा। तो अगर आपको कॉमिक अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में अंगारा और हवा के बेटे में।